तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन जैसे हम जस्ट चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो नंबर्स है वो ग्रेटर देन 50 है या नहीं। ठीक है, तो कैसे चेक करें? इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जस्ट करेंगे इक्वल और इसको सिलेक्ट करेंगे इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 50। क्या किया, इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 50, एंटर प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आया। तो जैसे कि आप डायरेक्टली यहां पे जो ऑपरेशन से लॉजिकल वो यूज कर सकते हो, जिसमें इक्वल है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है, ये सारा चीजें आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो रिजल्ट आएगा और ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सर इसके लिए तो इफ इस्तेमाल करते हैं। इफ फॉर्मूला क्या करता है कि यहां पे इफ लगाया और ये बताता है जो ट्रू है उसके जगह पे क्या चाहिए, जैसे हमने ओके कर दिया या पेंडिंग कर दिया। तो इफ का काम क्या है, इफ का काम है कि चेक करना कि बी टू जो है हमारा वो क्या है। अगर बी टू अगर ट्रू है तो ये ओके को शो करेगा, अदरवाइज पेंडिंग का शो करेगा। तो इफ जो है बोलता है कि ट्रू एंड फॉल्स, लॉजिकल टेस्ट मतलब ट्रू एंड फॉल्स। लेकिन हम लोग डायरेक्ट इफ के अंदर हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और यहाँ पे ओके हो और यहाँ पे पेंडिंग हो डायरेक्ट लगा, क्या करते हैं इसको डायरेक्ट लगा। तो डायरेक्ट लगाने से क्या होता है कि हमारा एक कॉलन बच जाता है। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस फॉर्मूले के अंदर में जो ग्रेटर देन इक्वल टू या कहीं भी ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरह का लॉजिकल ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि वो उसका पार्ट नहीं है। वो क्या नहीं है, उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, वो इंडिविजुअल है बट वहां पे हमने मर्ज किया, क्या किया हुआ है, मर्ज किया। ठीक है, अब चलिए कुछ इफ कंडीशन के हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं यहां ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जनरेट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं जैसे नेम लिखूं ऐसे यहां पर सीरियल नंबर जनरेट। ठीक है, तो यहां पे हम लगाए हैं कंडीशन की इफ, हमने बोला अगली सेल कि B3 अगर ग्रेटर देन 0 है। अब यहां हम ग्रेटर देन 0 क्यों कर रहे हैं, ग्रेटर देन 0 का मतलब है ब्लैंक सेल। देखिए कोई भी ब्लैंक सेल को सिस्टम जो है 0 समझता है, किसी भी ब्लैंक सेल को सिस्टम क्या समझता है, 0 समझता है। तो जो 0 है इसका मतलब कि ब्लैंक, और ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब उसमें कुछ टाइप। तो ग्रेटर देन 0 है तो अपने ऊपर वाले वैल्यू में +1 कर दे, नहीं तो यहां पे ब्लैंक। एंटर प्रेस किया हमने, रिजल्ट ब्लैंक आया, इसको नीचे तक हमने ड्रैग कर दिया। और यहां पे जैसे ही मैं लिखूंगा ओम, एंटर प्रेस किया, देखिए 2 आ गए। यहां पे लिखा मैंने इंदर, यहां पे लिखा मैंने उदय, यहां पे लिखा मैंने ओम। ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है,
एक अगर ब्लैंक छोड़ के यहाँ पे कुछ लिख दिया एरर, क्यों? क्योंकि ए जो है इस ब्लैंक सेल, B8 क्या है और A7 क्या है, ब्लैंक सेल है। इस ब्लैंक सेल में वर्न करने की जो कोशिश कर रहा है, अगर आपने इन्वर्टर को मैं ओपन क्लोज किया, इसका मतलब हो गया कि सेल ब्लैंक है और जो ब्लैंक सेल है उसमें आप किसी भी तरह का कैलकुलेशन, मतलब कि जो आपके टेक्स्ट है टेक्स्ट के ऊपर किसी भी तरह का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है? ऐसा इसलिए हुआ। इसका प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? तो इसका सलूशन ये है, हम यहाँ पे मैक्स लगा जो हमने +1 के A2+1 वहां पे मैं लगाऊंगा फॉर्मूला मैक्स, और मैक्स में यहां A2 से A2 ले लूंगा और इसमें +1 कर। हम ये इसको नीचे ड्रैग करने से पहले पहले वाले A2 को कर देता हूँ F4 से फ्रीज और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यस इसमें कोई कंफ्यूजन? सर, हमने मैक्स का फॉर्मूला लगाया और मैक्स में A2 से A2 लिया, पहले A2 को कर दिया फ्रीज, ठीक है? समझ गए? अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे सेल्स है और मुझे क्या करना है कि अगर सेल्स मेरा ग्रेटर देन 60 है तो मुझे क्वांटिटी को 40 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे हम? यहाँ पे कंडीशन देंगे कि इफ, यहाँ पे मैंने बोला कि अगर ग्रेटर देन 60 है तो इसको मल्टीप्लाई बाय हमने 40 कर, एंटर प्रेस किया और नीचे तक ड्रैग, रिजल्ट आ गया। बट यह फॉल्स क्यों आया? क्योंकि मैंने इसके एक ही पार्ट को रखा, दूसरा पार्ट को रखा नहीं, हमने एक ही पार्ट को रखा दूसरा पार्ट को नहीं रखा, इसलिए। तो यहां पे दूसरा पार्ट अगर नहीं दीजिएगा तो फॉल्स डिफॉल्ट आएगा, अदरवाइज जो देते हैं सुवाल, जैसे मैंने यहां पे दे दिया, अब नीचे ड्रैग कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। अब चलिए कुछ और करते हैं। मैं चाहता हूं यहां पे एक सीरियल डेट है, हम सीरियल नंबर ले लो, ठीक है? यहां यहां भी जैसे मैं यहां पे बोलूं कि मुझे 5 से लेकर 10 तक का सीरियल नंबर, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो स्टार्ट करके इक्वल करके 5 ले लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, फिर यहां देंगे कंडीशन इफ का कि इफ अगर इसमें +1 करने पे रिजल्ट ग्रेटर देन 10 आ, अगर ऐसा है तो ब्लैंक कर दे, अदरवाइज 5 में +1। कोई कंक्लूजन इसमें? एंड, और नीचे ड्रैग करने से पहले ये जो J3 है हमारा, जो 10 फिक्स है, इसको फ्रीज कर दिया, F4 लगा, अब नीचे तक ड्रैग कर सकते। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, 10 के बाद एरर आ, तो एरर आने के वही चांसेस है क्या कि ऊपर ब्लैंक है इसमें +1 नहीं कर पा रहा,
ऐसे केस में यहां हम इफ एरर लगाते हैं। इफ एरर एक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर में आप कोई भी फॉर्मूला दे, अगर वो फॉर्मूला रिजल्ट दिया, जो रिजल्ट देगा वो शो करे, लेकिन अगर वो फॉर्मूला रिजल्ट के जगह पे एरर दे, तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट में आप चूज कर सकते हो कि एरर देने पे क्या। तो मैंने ब्लैंक चूज किया, जैसे कि मैंने इन्वर्टर कुमार को ओपन किया एंड क्लोज कर दिया। ठीक है, डब्ल्यूएस कीजिए। ठीक है, अब यहां पे मैं बोलूं कि 10 से 20 चाहिए, मतलब 10 20 20 का स्क्रीन, समझे? क्लियर है? यस सर। चलिए कुछ और कंडीशन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कुछ नाम है और इस सारे नेम को मैंने शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे यूनिक और डुप्लीकेट, मतलब कि नाम अगर पहला बार आया तो यूनिक और सेकेंड टाइम आया तो डुप्लीकेट होना चाहिए। तो यहाँ हमने लगाया फॉर्मूला इसका कि इफ सामने वाली वैल्यू अगर इक्वल है अपने ऊपर वाली वैल्यू, सामने वाली वैल्यू अगर इक्वल है अपने ऊपर वाली वैल्यू से, अगर ऐसा है तो क्या हो जाए? इक्वल यहां पे टी आ जाए, अदरवाइज यहां पे यू आ, ठीक है। एंटर, अभी फिलहाल अजीत और नेम आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या आया? यू आया, लेकिन जैसे ही मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो क्या आएगा? डी आ, ठीक है। यस सर, नीचे ड्रैग कर दीजिए तो हर नाम में यू आ। उसी तरीके से मुझे सीक्वेंस नंबर चाहिए, क्या चाहिए? कि मुझे हर का सीक्वेंस देना है, तो ऐसे यहां कर सकता हूं कि इफ अगर सामने वाले वैल्यू बराबर है अपने ऊपर वाले वैल्यू से तो ऊपर वाले में प्लस वन हो जाए, नहीं तो वन से स्टार्ट हो। यहाँ वन से स्टार्ट हुआ और देखिए नीचे टू आ जाए, क्योंकि तो ऊपर वाली वैल्यू तो अजीत ही बराबर है, तो वन प्लस वन जो इस तरह से। लेकिन इसके लिए हर किसी को सीक्वेंस नंबर दे दिया, और इसके लिए डेटा को शॉर्ट होना जरूरी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि डेटा शॉर्ट नहीं, जैसे यहाँ देखिए डेटा शॉर्ट नहीं है ना, तो ऐसे केस में हम काउंट इफ का फॉर्मूला लगा, इसका काउंट इफ, काउंट इफ, और अजीत से अजीत के लिए हमने यहाँ पे सेमीकोलन यूज किया, ई टू से ई टू और कॉमा ई टू, तीनों एक जैसा रखे, और पहले वाले ई टू को मैंने फ्रीज कर और नीचे ड्रैग करेंगे, तो पहले वाले अजीत को वन देगा और दूसरे वाले अजीत को क्या दिया इसने? टू। या फॉर्मूला सिंपल है, काउंट इज, और आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, ए ई टू से ई टू एंड कॉमा ई, पहले ई टू को फ्रीज कर देंगे, सिंपल सा, ठीक है, बाद बाकी आपका दिख जाएगा। तो इस तरह से हम इफ फॉर्मूला इस्तेमाल करें, दिक्कत इसमें? रिया जी को दिक्कत, वैभव जी को दिक्कत? अब यहां पे हम बात करते हैं मल्टीपल कंडीशंस, जैसे कि यहां आपके सामने है
कि जो सेल्स है हमारा अगर वो 50 to 80 के बीच में हुआ तो 800, अदरवाइज 0 आना चाहिए। तो दो कंडीशंस है, तो यहाँ पे जब भी एक इफ में एक भी कंडीशन लगाते हैं, लेकिन जब भी दो कंडीशन हो तो हमें एंड का इस्तेमाल करना। यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, ये दोनों कंडीशन होने ही चाहिए, दोनों कंडीशन होने ही चाहिए। ए टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड कॉमा ए टू लेस देन इक्वल टू 80। तो एंड के अंदर में हम एक से ज्यादा कंडीशन लगा सकते, ठीक है। रिजल्ट ट्रू या फॉल्स, अभी इस ट्रू और फॉल्स को अपने रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आगे इफ लगाइए, और एंड का रिजल्ट ट्रू आया तो 800, अदरवाइज 0। तो यहां से इसको नीचे ड्रैग। तो एंड समझ में आया सबको, कोई दिक्कत एंड में? सबको आ गया, कोई किसी और को प्रॉब्लम? सर इसी तरह से और की बात करें यहां पे, तो यहां पे सैटरडे संडे दिख रहा है आपको, तो अगर सैटरडे या संडे हुआ तो मुझे ऑफ शो करना, अदरवाइज ऑन शो करना। तो इसके अब इसमें क्या है कि या तो सैटरडे हो सकता है या संडे हो सकता है, दोनों में से दोनों तो नहीं हो सकते ना। ऐसे केस में हम और लगाए, और क्या करता है कि कोई एक कंडीशन ट्रू हुआ तो रिजल्ट हम ट्रू देते। तो हमने बोला कि अगर इक्वल टू सैटरडे है, और सैटरडे संडे जैसे जो टेक्स्ट होता है उसको हमेशा डबल कोटेशन मार्क पे रखना होता है। अगेन इसको सेलेक्ट करके इक्वल टू बोला कि अगर अगर ये संडे है तो सैटरडे या संडे में से दोनों में से कोई एक हुआ तो रिजल्ट ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स। अब ट्रू को मुझे ऑफ और फॉल्स को ओपन में कन्वर्ट करना है, इसके लिए लगाएंगे फॉर्मूला इफ, और यहां पे हम देंगे कॉमा, ऑफ आएगा नहीं तो ओपन आएगा। ठीक है, एंड और दोनों समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें? हाँ सर। तो ये फाइल में भेज रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल हम बात करेंगे नेस्टेड एंड और जो बड़े बड़े जो फॉर्मूले हैं ना, इस फॉर्मूले के और नेस्टेड इफ वगैरह के ऊपर, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें। तो दिक्कत इसमें ये फाइल भेज देता हूँ आप लोगों, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए।
चलिए।